हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश क्लास। क्लास एट्थ के बच्चों को फ्रेजेस डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेजेस में अभी तक हमने इसके डेफिनेशन के बारे में जाना है, और काइंड ऑफ फ्रेजेस में हमने नाउन फ्रेज को स्टडी करा है। नाउन फ्रेज हमें बताता है कि जब वो सेंटेंसेस हमें व्हाट का सेंस दें तो समझ लीजिए कि वो नाउन है। नाउन हमेशा व्हाट का सेंस लेकर आता है अपने साथ में। और ये वर्क मैंने आप लोगों को देखिए, इसको देख लीजिए आप। हिज फादर विश्ड टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, यानी कि जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका आंसर जो भी निकल कर आएगा वो आंसर ही आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से मैंने अंडरलाइन करा है। एज इट इज़ आपको अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना है, पेन से अंडरलाइन कर लेना है ये वर्क। सेकेंड थिंग, अब आप ये तो वर्क मैंने किया है, एज इट इज़ आप इसे कर लेंगे। इसके हिसाब से अब आपको क्या करना है, सप्लाई नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, शी वॉन्टेड, अब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। शी वॉन्टेड टू जॉइन एयरफोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। शी वॉन्टेड टू पेंट अ पिक्चर, कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इज डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, क्या मुश्किल है, तो आप कुछ भी अपनी तरफ से सोच समझ के लिख सकते हैं जो कि आपको लगे कि ये मुश्किल है। ठीक है, अब आप कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे अब ये मैं नहीं बताऊंगी आपको जैसे, तो फिर ले दे कि इसमें हार्डली देर आर एट सेंटेंस, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। रिमेनिंग में आप खुद से नाउन फ्रेज फिल करेंगे। दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू गाइज, ऑलराइट, इसे आप करेंगे बैठ के। चलिए अब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि नाउन फ्रेज में हम व्हाट का सेंस निकालते हैं, इसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेजेस में हम विच का सेंस निकालते हैं। जैसे एग्जामिन कर लेते हैं पहले। एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, पेयर दिए गए हैं। जैसे कि द रशियन नेवी वॉज डिफीटेड। ठीक है, तो रशियन क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, दे आर नोन एज एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे ये किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर ये नेवी को डिफाइन कर रहा है। तो कौन सी नेवी की बात हम कर रहे हैं, हम बात करें यहाँ पे रशिया की नेवी की बात करें, तो आगे ना निकल के इसका द नेवी ऑफ रशिया, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ध्यान रखिए, ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड लगा दिया तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ में आया, चाहे आप रशियन नेवी कह दीजिए चाहे आप नेवी ऑफ रशिया कह दीजिए। अगर आप रशियन कहेंगे तो आप ये इसको एडजेक्टिव बना रहे हैं, लेकिन आप एक आध वर्ड और उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया तो वो बन गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द जज वॉज जेनरस मैन। जेनरस का मीनिंग होता है काइंड। ठीक है, जो काइंड स्वभाव का उसको हम जेनरस कहते हैं। तो द जज वॉज अ मैन ऑफ जेनरस नेचर, जिसका जो नेचर है वो बेनेवोलेंट हो, काइंड हो, सॉफ्ट हो, मर्सीफुल हो, दैट पर्सन इज नोन एज जेनरस। जेनरस नेचर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं उनके साथ में हमें कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड अपनी तरफ से अटैच करके लगाना है, अपनी समझ के हिसाब से उसको हम बोलते हैं। अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट वॉज फाउंड यस्टरडे। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल, जिसकी की वैल्यू हो। तो अ डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट वैल्यू, भाई वैल्यूएबल हो गया, बहुत कीमती है, ऑफ ग्रेट लगा दिया तो उसको डिफाइन कर दिया। समझ में आया। इसी तरीके से इन ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव फर्स्ट अ सिंगल वर्ड क्वालिफाइंग द नाउन। ठीक है, पहले तो हम इनको नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे में हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एंड देन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाइंग द सेम नाउन। उसके बाद हम अगले सेंटेंस में उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके हम उसको बता रहे हैं। चलिए, रिमेंबर टू प्लेस द एडजेक्टिव फ्रेज क्लोज टू द नाउन। हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रिमेंबर करके दिया हुआ है आपके बुक में वो आपको रिमेंबर याद रखना है। ये ध्यान रखना हमेशा कि एडजेक्टिव फ्रेज को आप जस्ट नाउन के क्लोज रखेंगे। ध्यान रखिए, ये अलग नहीं होना चाहिए कि आपके एडजेक्टिव फ्रेज कहीं हो जाए नाउन कहीं और जा रहा हो, बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए चीज़ें, तभी पता चलेगा, तभी वो उसको डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, जैसे अब उन्होंने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे नाउन में दे दिए थे, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे एडजेक्टिव में दे दिए। अ गोल्डन रिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनेगा, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। अ पॉपुलर हीरो, अ हीरो लाइक्ड बाय द पीपल।
भाई पॉपुलर कौन है, जिसको लोगों से पॉपुलरिटी मिलती है, भाई लोग जिसको सराहना करें वही तो पॉपुलर हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आप इन्हें पढ़िएगा और साथ में आप इसको मीनिंग इस हिसाब से समझते चले जाएंगे। ऑल राइट, तो फिर आप इतना काम करेंगे और एंड देन इन सेंटेंसेस में, जैसे यहाँ पे आपने नाउन फ्रेज को अंडरलाइन कराया है, अब यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, ये वाला वर्क भी आप ही का है, सिर्फ आपको अंडरलाइन करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। इसमें पिक आउट करके आप अंडरलाइन करिए, सेम पेन से आप अंडरलाइन करेंगे। पहले आप पेंसिल से करिएगा, उसके बाद जब वो कन्फर्म हो जाएगी वो चीज़, तब आप उसको पेन से अंडरलाइन करेंगे। ऑल राइट, क्योंकि बार बार पेन से आप लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये आपका होमवर्क है। ये हो चुका है ऑलरेडी, ये आपको आज दिया है और ये आपको आज हम दे रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।